तो अब हम देखेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए ट्रिक। इस प्रकार से आप एक लंबी सी लाइन खींचना ऐसे, ठीक। इसको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, जहां डिवाइड किया उसको क्या मान दिया, पी। पी के बाद अगला पॉइंट क्या आता है, एफ। एफ के बाद शी, शी के बाद अनंत, किसमें, दर्पण में। इसी प्रकार के साइड भी जाएंगे, पी के बाद एफ, एफ के बाद शी के बाद अनंत। क्लियर। इसमें हम ये देखेंगे कि हम एक सारणी रटते रहते हैं कि बिंब अनंत पे हो तब ये यहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। तो उसको हम इस एक लाइन में क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एक जटिल प्रक्रिया है उसको सरल बनाने का एक प्रयास है। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, 10 से 1, 2, 3, सरलता के लिए। इसमें भी 1, 2, 3, ठीक है। इधर हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो हम शो कर रहे हैं, इधर बिंब की स्थिति शो कर रहे हैं और इधर किसकी स्थिति शो कर रहे हैं, प्रतिबिंब की। तो देखो, हम यहाँ से सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, बिंब की अलग अलग स्थितियों के लिए। तो मान के चले, पहले हमने बिंब को कहाँ रखा, अनंत पे। अनंत का मतलब नंबर 1 पर। तो अब आप देखो, बिंब को आपने नंबर 1 पर रखा तो प्रतिबिंब की स्थिति में देखो नंबर 1 कहाँ पे है, F पर। तो इसका मतलब जब आप बिंब को, वस्तु को अनंत पर रखोगे तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है। अब दूसरा देखें, अगर हम बिंब को 1 और 2 के मध्य रख दें, अर्थात अनंत व सी के मध्य रख दें, यहाँ 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 कहीं भी, तो देखो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कहीं पर भी, ठीक है। अगर बिंब आपका अनंत और सी के मध्य है, यानी 1 और 2 के मध्य है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 1 और 2 के मध्य, अर्थात एफ और सी के मध्य। क्लियर। अब जब हम बिंब को कहाँ रख दें, सी पर, यानी 2 नंबर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति में देखिए 2 नंबर कहाँ पर है, सी पर। यानी जब आपका बिंब, जब आपका बिंब सी पर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, तब प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। जब हम बिंब को कहाँ रखेंगे, 2 और 3 के मध्य, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी रखते हैं बीच में, तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति में देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर 2 और 3 के मध्य आपने बिंब रखा तो प्रतिबिंब भी 2 और 3 के मध्य बनेगा, अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य कहीं पर भी आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। यदि हम बिंब को कहाँ रख दें, फोकस पर, कहाँ रख दें, फोकस पे, अर्थात 3 नंबर पे। देखो प्रतिबिंब की स्थिति में 3 नंबर कहाँ पर है, अनंत पे, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब अगला है कि जब हम बिंब को कहाँ रखें, एफ और पी के मध्य, तो ये एक अपवाद वाली स्थिति है। किसकी स्थिति है, अपवाद की। और इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, आभासी सीधा, ठीक है। और बाकी अन्य स्थितियों में, 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक की स्थितियों में, यानी कि आप चाहे अनंत, आप अनंत या आप अनंत से लेके एफ के मध्य कहीं पर भी बिंब को रख देंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इसमें कैसा बन रहा, आभासी और सीधा। आप अगर अनंत और एफ के मध्य में बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इधर कैसा बन रहा, पी और एफ के मध्य में, आभासी और सीधा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, यानी कि यहां से लेके
यहां तक कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। यहां से लेके यहां तक की स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इस स्थिति में कैसा बनेगा, आवासी सीधा और दर्पण के पीछे। ठीक है, अगर हम बिंब को कहां, अब इसके बाद आता है कि आपका बिंब कितना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, यानी कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो देखो यहां से लेके एक और तीन नंबर, एक और तीन में बीच का पॉइंट कौन सा है, दो नंबर है, तो दो नंबर पे हमने एक लाइन खींच ली और यहां पे लिख दिया बराबर। ठीक है, और इधर चलेंगे तो इधर लिख दिया मैंने छोटा, इधर चलेंगे इधर लिख दिया मैंने बड़ा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका बिंब वक्रता केंद्र सी पर होगा, आपका बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होगी, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर। जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा जब आपका बिंब कहां पर होगा, सी पर। और आप सी से जितना इस साइड में जाएंगे, जितना भी इस साइड में जाएंगे, उतना ही प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। जब आप इधर आएंगे सबसे ज्यादा दूर तो कहां पहुंचेंगे, अनंत पे। जब आप अनंत पे पहुंचेंगे तो इस साइड आने पर प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। जब अनंत पे पहुंचेंगे तो कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा। इस साइड जाने पर आपका प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा होता है। तो वक्रता केंद्र से आप जितना ध्रुव की ओर जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता जाएगा, वक्रता केंद्र से जितना आप अनंत की ओर जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता जाएगा। अभी जो ट्रिक देखी उसका यूज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में करते हैं। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो हमने आपको बताया था कि बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, तो ये उत्तल दर्पण है तो बिंब को हम इस साइड रख सकते हैं। क्लियर। तो देखो इसमें बिंब की कितनी स्थितियां बन सकती हैं, जब आप इस साइड रखोगे तो कितनी स्थितियां बन सकती हैं, या तो आप बिंब को कहां रख दो, अनंत पर, कितनी स्थिति हुई, एक। या आप कहां रख सकते हो, अनंत और पी के बीच में कहीं रख दो, तो दूसरी स्थिति क्या है, अनंत व पी के मध्य में। क्लियर। तो दो स्थितियां होती हैं उत्तल दर्पण में, या तो आप अनंत पर रख सकते हो या अनंत व पी के मध्य रख सकते हो। क्लियर। तो जब आप अनंत पर रख दोगे, तो आपका प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में आपने देखा था कि जब आप बिंब को अनंत पर रखते थे तो प्रतिबिंब कहां बनता था, फोकस पर। तो इसमें जब अनंत पर रख दोगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। अनंत का कहां बनेगा, फोकस पर। क्लियर। अब चूंकि आप कहेंगे कि इधर पॉलिश की हुई है तो प्रकाश किरण कैसे पहुंचेगी, प्रकाश किरण नहीं पहुंचेगी, केवल इस पॉइंट पर जाती हुई आपको प्रतीत होगी। तो यहां पे आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी, वास्तव में नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश किरण यहां वास्तव में नहीं पहुंचेंगे, पर आभासी बनेगा। साथ ही साथ कैसा बनेगा, छोटा। ठीक है, अवतल दर्पण में भी आपने देखा था कि जब बिंब को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। इसमें आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। अब बात आती है कि जब आप बिंब को कहां रखेंगे, अनंत व पी के मध्य, चाहे यहां रख दें, चाहे यहां रख दें, चाहे यहां रख दें, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब फिर बनेगा पी व एफ के मध्य। कहां बनेगा, पी व एफ के मध्य। ठीक है, और P और F के मध्य बनेगा, कब, जब आप बिंब को कहां रखेंगे, अनंत व P के मध्य। तो इसमें दो बातें याद रख लो कि जब बिंब कहां होगा, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे, और जब अनंत व P के मध्य, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब दर्पण के सामने होगा तो कहां बनेगा, P व F के मध्य। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में कैसा बनेगा, पहली वाली स्थिति में भी आभासी छोटा, दूसरी वाली स्थिति में भी आभासी और छोटा। साथ ही साथ जब आवासी होगा तो कैसा होगा,
सीधा होगा, वास्तविक होता तो कैसा होता है, उल्टा होता है। क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने बिंब को यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा या यहाँ रखा, तीन स्थितियाँ ले ली ए बी सी, तो यहाँ पे बनने वाले प्रतिबिंब पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे जैसे आप बिंब को ध्रुव के पास लाएंगे, जैसे जैसे आप बिंब को कहाँ लाएंगे, ध्रुव के पास, वैसे ही आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होता जाएगा, बड़ा। जैसे जैसे आप बिंब को ध्रुव के पास लाएंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। ध्यान रखें, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आप बिंब को ध्रुव की ओर ले जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। ध्यान रखें, लेकिन सदैव बिंब से छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा, इन बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, जैसे जैसे आप बिंब को ध्रुव की ओर लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो प्रतिबिंब होगा कैसा होता जाएगा, बड़ा, लेकिन सदैव बिंब से कैसा रहेगा, छोटा। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये समझ में आ गई होंगी और आप आसानी से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।